अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। द बोल्ड वॉइस के साथ आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सोलह। अगर बात करें कश्मीर की, कश्मीर हमेशा से ही, सदियों से ही अपने आर्ट्स एंड कल्चर्स में मशहूर रहा है। अगर हम बात करें कश्मीर के आर्ट्स की, इसमें नमदागिरी आती है, इसमें पेपर मैशी आती है, इसमें वुड कार्विंग आती है, इसमें वॉलनट का सामान आता है, या इसमें शॉल्स का भी काम आता है। क्योंकि अगर हम देखा जाए फॉरेन कंट्रीज में या बाकी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे कश्मीर के प्रोडक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो इसी बीच अभी हम आए हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप पेपर मशी की काम देखेंगे, पेपर मशी कारीगरी, जो एक पेपर से बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर ऑयल पेंट किया जाता है। हमारे साथ वो शख्स जुड़े हुए हैं जो इस काम के, इस कारीगरी के साथ करते हैं सदियों से। इनके वालिद साहब भी करते थे, कि परदादाओं से ये इनका चल रहा है। हम इन्हीं से बात करते हैं, जो कारीगरी है इस पर कितना टाइम लगता है, ये कैसे बनाया जाता है। तो तू जो खैर मकदम चैनली पठन, मुझे भाई आप ये बताइए, जो आपकी पेपर मशी का कारीगर है, ये आप किस कब से बना रहे हैं? मुझे लग रहा है कि कम से कम हम इस जो आर्ट से जुड़े हुए हैं लगभग 70-80 साल से जुड़े हुए हैं। तो आप कह रहे कि मतलब कि आपके ग्रैंडफादर्स, ये लगभग मेरी फोर्थ जनरेशन है जो ये काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए, आप हमें थोड़ा बता सकते हैं इसमें मतलब कि किन किन मुश्किलों का थोड़ा सामना करना पड़ता है? क्योंकि ज्यादातर पता है ये पेपर का बनता है, पेपर को एक वुडन शेप देना, ये कितना टफ काम रहता है? देखो मैं आपको बता लेता हूँ, तो टफ की तो बात नहीं है। तो देखो काम तब तक कंप्लीट नहीं हो जाए जब तक इंसान मेहनत नहीं करता है। इसमें क्या होता है, एक्चुअली का जो पेपर माशी का कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को गलत है कि ये खाली पेपर होता है। अलबत्त इसमें क्या होता है, दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक वुड होता है और दूसरा पेपर होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पेपर से बनाई जाती हैं, और जो बहुत सारे अक्सर चीज़ें जो हैं वो वुड से बनाई जाती हैं। वुड का जो हमें वो इजीली वो दस्तियाब हो जाता है, उसके लिए अलग अपने साज होते हैं जो कि अपनी वुड क्राइविंग करते हैं, और उसके बाद हम पेपर मैश करते हैं। और दूसरा जो है पेपर का, इसमें जो होता है पेपर को मैश करना पड़ता है, उसके बाद उनको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देनी पड़ती हैं। और ड्यूरिंग विंटर्स में तो प्रॉब्लम रहती है, उनको क्या पड़ता है, उनके लिए उनको हीटिंग अरेंजमेंट्स रखना पड़ता है, जैसे कि बुखारी है या कॉमन थिंग्स आर अवेलेबल राइट नाउ इन द मार्केट, उस हिसाब से चलता रहता है। तो विंटर्स में थोड़ा हैटिक होता है। अगर देखा जाए, अभी हमने देखा आपने यहाँ पे क्रिसमस के आइटम्स बनाए, जैसे कि आप देखेंगे वो पाइन ट्री है, या बॉल्स है, या अगर हम देखें स्टार्स है। तो ये आप साल भर बनाते हैं कि खाली क्रिसमस पे बनता है ये वाला आइटम? देखो मतलब क्या होता है कि हमें एक प्रोग्राम होता है, जैसे कि हम वो दीगर मुल्कों में जाते हैं, अलग अलग जो मुल्के होते हैं उनमें हम एक किस्म का एग्जीबिशन लगाते हैं। उसके बाद बायर्स आते हैं हमारे पास, वो हमें ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है। उस ऑर्डर को तैयार करने में होता है डिपेंड कि क्वांटिटी कितनी है और टाइम कितना लगे, उसी के बरक्स हम उसको अपना टाइम दे देते हैं, उस सिलसिले में हम उनको अवेलेबल कर लेते हैं। ये अक्सर क्या होता है, ये पूरे साल इस पे काम होता है, उसके बाद इसमें नवंबर से जाना शुरू होता है, दिसंबर तक ये चलता रहता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं इस पेपर मशी का काम थोड़ा सा इस पर असर पड़ गया है? अगर हम कोविड की बात करें, कोविड के बाद इस पर थोड़ा असर पड़ गया इस काम पे, क्योंकि ये देखो फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा था। वैसे तो बात तो सही है, कोविड से मुझे आप बताइए वो कौन सा सेक्टर ऐसा है जो हिट नहीं हुआ है। पेपर माशी तो ऑब्वियसली हिट हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा एसेंशियल थिंग नहीं है जो हमें डेली लाइफ में यूज करना पड़ेगा। उस वजह से कोविड की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गई है, बाकी अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा है, बाकी कोई मसला नहीं है। अभी मैंने एक नीचे एक एलिफेंट देखा, काफी ज्यादा बड़े साइज में था। उसको कितने दिन लगते हैं बनाने में, आपको पेंट कंप्लीट होने तक? इसमें क्या होता है, एक एक प्रोसेसिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया पहले रॉ मटेरियल में उसको नियर अबाउट 2-3 महीने लगते हैं बनाने में, पेपर वाले में। वुडन में कम ही समय लगता है क्योंकि वो प्रॉपर ड्राई होना चाहिए, उसके बाद अलग अलग प्रोसेसिंग होती है।
जब सख्त सख्त मटेरियल आता है उसके बाद एक और फैक्ट्री पे जाता है, वहां पे लाइक मैं बताऊंगा आपको, एक मिट्टी से ऊपर, जैसा कि हम अमूमन वॉल्स पे पीओपी करते हैं, वैसे एक किस्म की मिट्टी होती है जो वो उस पर लगाई जाती है। उससे क्या होता है, उसमें शाइन चढ़ जाता है। उसके बाद कलर्स करते हैं, कलर्स के बाद डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन करते हैं। डिजाइन पे डिपेंड होता है, कोई 2 दिन में भी खत्म हो जाए, किसी को 2 साल भी रखते हैं, किसी को 6 महीने भी। इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क, कितना वर्क होगा उसी के हिसाब से होता है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल पूछते हैं। पेपर मेशी एक मेन आर्ट माना जाता है कश्मीर का, सरकार की जानिब से या कोई इदारे जैसे कि आपके ये होते हैं जो इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं आर्ट्स एंड कल्चर्स के या इसके हैंडीक्राफ्ट्स के, हैंडीक्राफ्ट्स के डिपार्टमेंट, वो आप लोगों के एग्जीबिशंस लगाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे? क्योंकि हमें देखिए पिछली बार खत्म बंद आया था इंटरनेशनल लेवल पे, आपके एग्जीबिशन लगती है ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे कोई? देखो मसला क्या है कि चंद चंद लोगों की वजह से ये जो एक क्राफ्ट है, मैं बताऊंगा, इन शॉर्ट ऑफ हाईजैक हो चुका है, ठीक है। क्योंकि जो असल में जो आर्टिजन है जो इस कार के साथ मुंसलिक है उसके पास नहीं पहुंचता है। क्या हुआ है कि हम देख रहे हैं काफी सालों से, सदियों से चलता आ रहा है, जिसका रसूख अच्छा है तो उसको यहाँ पे मतलब एग्जिबिशंस मिलते हैं, दिल्ली हाट में मिलते हैं, प्रगति मैदान में मिलते हैं, और जो अक्सर आर्टिस्ट हैं उसको नहीं मिलता है। और गवर्नमेंट भी क्या करता है, वो ऑन फील्ड उनका, मैं आपको बताऊंगा, उनका फेलियर है, वो नहीं देख पाते हैं। उसमें क्या होता है कि मेरा रसूख किसी के साथ अच्छा है, मुझे मिल जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन जो उस स्कीम के लिए हकदार हैं उनको नहीं मिलता है, ये मसला है। और मैं गवर्नमेंट से आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डोर टू डोर चेक करे कि कहाँ पे ये काम हो रहा है, वेदर जिन लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं क्या ये सच में इस काम के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। मुझे एक बात समझ ही नहीं आ रहा है कि एक ही बंदे को हर साल मतलब मास्टर क्रिएशन में एग्जिबिशंस मिलते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें आर्टिजन को कुछ फंड्स भी मिलती हैं, लेकिन वो तो पता ही नहीं, कुछ दो तीन बंदों को मिलता है, बाकी मुझे लगता है कि बाकी गवर्नमेंट की नजरों में बाकी कोई आर्टिस्ट है ही नहीं। तो ये मसला है तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे यंग एंटरप्रेनर जो अमजद साहब, जो अभी ये कश्मीर का एक आर्ट एंड कल्चर को बरकरार रखे हुए हैं, जो कि ये अगर देखा जाए कई साल पहले तक ये आर्ट वैनिश हो रहा था मार्केट से, लेकिन हमारे जो यंग एंटरप्रेनर्स हैं अमजीत साहब जैसे जो इसको अभी बरकरार रख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम सरकार से अपील करते हैं कि थोड़ा सा गौर फिक्र इसकी चीज की, इस चीज की तरफ ही किया जाए, क्योंकि ये कश्मीर का एक आर्ट है जो कि दिन ब दिन अगर देखा जाए खत्म हो रहा है। तो ऐसी मजीद अपडेट देखने के लिए बने रहे द बोल वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।